नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ग्रुप ऑफ डेथ वाले मैच में। स्कॉटलैंड बनाम जिम्बाब्वे आखिरी मैच है ग्रुप ऑफ डेथ का। क्यों ग्रुप ऑफ डेथ है ये ग्रुप भी, क्योंकि चलिए श्रीलंका और नेदरलैंड्स तो क्वालिफाई हो गई, लेकिन वहां पर एक वीक टीम थी यूएई, जिन्होंने चलो सरप्राइज पुल ऑफ कर लिया नामीबिया को हराकर। बाय द वे मुझे तो नहीं लगा था कि नामीबिया यूएई से हार जाएगी और उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। बट वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे स्कॉटलैंड, माफ कीजिएगा, श्रीलंका एंड नामीबिया, या फिर श्रीलंका और नेदरलैंड, ये तीन टीम में से दो टीम आएंगी। और श्रीलंका एटलीस्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट तो हम पक्का पकड़ के चल रहे थे कि वो दो टीम, और श्रीलंका तो डेफिनेटली आएगी। इस ग्रुप में क्या है, भले ही हम बिफोर द टूर्नामेंट ये कह रहे थे कि वेस्ट इंडीज तो डेफिनेटली आएगी, लेकिन अब इस ग्रुप में चारों टीम ने एक एक मैच जीता है, तो इसके चारों टीम में से कोई भी दो आ सकते हैं। तो पहला मैच और दोनों मैचेस जो शुक्रवार को है, ये नॉकआउट मैचेस हैं। पहला मैच है वेस्ट इंडीज बनाम आयरलैंड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो जरूर देखेगा, मेरे कलीग रौनक ने वो वीडियो बनाया है। उसका टीम, वो मैच सुबह 9:30 बजे है, वो मैच डिसाइड करेगा कि उस टीम में से कौन आगे जा, उस कॉन्टेस्ट में से कौन आगे जा रहा है। और ये आखिरी क्वालिफिकेशन मैच है स्कॉटलैंड बनाम जिम्बाब्वे, बिकॉज इसके बाद जो है 22 तारीख से, जी हाँ, आपने शर्मा जी के बेटे की आयत तो जरूर देखी होगी, उन्होंने सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की भी एड दिखाई है। स्टार स्पोर्ट्स पे रहेंगे ये सारे मैचेस, ये वाले मैच भी आप वहां पे टीवी पे आप देख सकते हैं। अगर आप वेब पे देख रहे हो स्ट्रीमिंग पे, तो फिर आप हॉटस्टार पे देख सकते हो ये पर्टिकुलर मैच। तो स्कॉटलैंड बनाम जिम्बाब्वे, दोनों ही टीम्स 2 पॉइंट पर है और यहां पर रन रेट का कोई यहां पर लॉजिक है ही नहीं। पहले मैच में जो जीतेगा वो आगे जाएगा और ये मैच में जो जीतेगा वो आगे जाएगा। सिर्फ क्लासिफिकेशन यानी कौन से टॉप टू टीम्स होंगे वो दोनों टीम्स के नेट रन रेट पे डिसाइड हो जाएगा। एनीवेज, आपको उन सब से कोई मतलब नहीं है, ऑफ कोर्स एज अ क्रिकेट फैन डेफिनेटली है, बट एज अ फैंटेसी फैन आप यही सोचेंगे कि स्कॉटलैंड जिम्बाब्वे वाले मैच में कौन से प्लेयर्स आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं, एटलीस्ट स्टेटिस्टिकल बेसिस पे और थोड़े गट फीलिंग के बेसिस पे, कौन कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है, किसका पलड़ा भारी हो सकता है, वगैरह वगैरह। और फैंटेसिकली लेकर आया है यही सब चीजें आपकी सहायता करने के लिए। ये मैच खेला जाएगा शुक्रवार 21 अक्टूबर 2022 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 2:00 PM, यानी ये मैच होबार्ट में है, यानी तभी होबार्ट में शाम के 7 बज रहे होंगे, यानी ये एक नाइट मैच है, अंडर फ्लड लाइट्स खेला जाएगा। वैसे इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, आप नीचे वीडियो में सेगमेंट्स या चैप्टर्स पे क्लिक कर सकते हैं, जो आपका मन भाए आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, एक बार एटलीस्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है जो सेगमेंट या चैप्टर आपने छोड़ दिया हो उसमें कोई एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी गई हो वीडियो या मैच के रिलेटेड। सो प्लीज एक बार एटलीस्ट वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। एंड अगर आप इस वीडियो में आप ये क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, ब्लर्ड है, वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम है, तो माफी चाहते हुए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में पीडीएफ हमने डाला हुआ है, स्लाइड्स के पीडीएफ, आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इत्मीनान से सारे स्लाइड्स एट योर ओन पीस देख सकते हैं। टॉप फैंटेसी पिक्स, स्कॉटलैंड की तरफ से ब्रैड वील, माइकल लीस्क, जिम्बाब्वे की तरफ से सिकंदर राजा और शॉन विलियम्स। क्या है ये टॉप फैंटेसी पिक्स? अगर हमारा ये मानना है, अगर ये आप चार प्लेयर अगर आप अपनी टीम में रखें, चाहे वो ग्रैंड लीग हो, हेड टू हेड हो, स्मॉल लीग हो या कोई भी लीग हो, तो आपके नुकसान के चांसेस कम हो सकते हैं, बिकॉज ये चार सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर्स है अपनी अपनी टीम से, तो आपको वैसे एक सेफ जोन में लाके खड़ा करते हैं। और सेफ जोन से मुझे याद आया, एक कमेंट आपका आया था आपकी, आप यूजर्स में से कोई एक वीडियो में जो ये कह रहा था कि आपके टीम्स बहुत सेफ होते हैं, थोड़े रिस्की टीम्स भी बताइए। तो सर हम कोशिश जरूर करेंगे, अगर आप फैंटेसी गली पे आएंगे तो आपको काफी सारी टीम्स मिल जाएंगी, लेकिन हम खुद सामने से एडवोकेट करते हैं कि देखिए ग्रैंड लीग में आप एक या दो ही टीम्स रखें, बिकॉज वहां पर रिस्क और लक फैक्टर बहुत होता है, और हम जो है ये स्टडी करके आपके लिए टीम्स बनाते हैं। अगेन, और वो भी एक अनुमान है, ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं है कि चलो ये चार लोगों को लिया तो ये आपके लिए परफॉर्म करेंगे ही करेंगे। लास्ट मैच में सिकंदर राजा ने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन हम एक मैच के बेसिस पे नहीं, पिछले 10 मैच के एनालिसिस के बेसिस पे हम प्लेयर्स रेकमेंड करते हैं। फिर भी हम आपको सावधानी बरतने के लिए कहते हैं, इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं कि ग्रैंड लीग पे थोड़े कम फोकस करें, एक या दो ही टीम्स रखें, स्मॉल लीग और हेड टू हेड में आप ज्यादा
फोकस करें। मैं दावा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हमने रिसर्च किया है, हमने स्टडी किया है और हमने ये पता किया है कि हमारे द्वारा जो टीम्स बनाए गए हैं, जो आप फैंटेसी गली पे आते हैं, हेड टू हेड और स्मॉल लीग में आपको 75-80% सक्सेस रेट मिल रहा है एटलीस्ट ये। और ये एक दो मैच के बेसिस पे नहीं है, काफी सारे मैचेस के बेसिस है। हो सकता है आपको एक हाथ दो बीच बीच में थोड़े लॉसेस का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं और वही कारण, इनफैक्ट वही सारे लॉसेस को अवॉइड करने के तरीके हम इस वीडियो में बात करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में आपको काफी और क्या चीजें मिलेंगी, ये चार प्लेयर्स के अलावा बाकी सात प्लेयर्स कौन से होने चाहिए, कैप्टन वाइस कैप्टनशिप पिक्स कौन होने चाहिए, ये जानने के लिए प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, सुस्वागत है, मैं हूं कार्तिक अय्यर, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का फैंटेसी गली की तरफ से इस नए वीडियो में। स्कॉटलैंड बनाम जिम्बाब्वे फर्स्ट राउंड वर्ल्ड कप का फर्स्ट राउंड मैच नंबर 12 जो खेला जाएगा शुक्रवार 21 अक्टूबर 2022 को भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से दोपहर के 1:30 बजे। प्लीज fantasygully.com पे आइए, चेकआउट कीजिए स्टैट्स एंड टीम डिटेल्स। और टीम डिटेल्स के लिए टॉस हो जाएगा 1 बजे दोपहर के, और वो थोड़ा ट्रिकी है, वो फर्स्ट मैच कब खत्म होता है उस पर डिपेंड करता है, बिकॉज वेस्ट इंडीज आयरलैंड भी उसी ग्राउंड पर है। तो अब यहीं पर आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है। 1 बजे टॉस का टाइम है और टॉस के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं कौन से नहीं। लेकिन क्या आप 1 बजे से ऐसी टीवी देखते रहेंगे या फिर स्ट्रीम देखते रहेंगे या वेबसाइट चेक करते रहेंगे कि टॉस हुआ कि नहीं, टॉस हुआ कि नहीं, टॉस हुआ कि नहीं? नहीं, उसका एक सोल्यूशन है। प्लीज फैंटेसी गली का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो लिंक से आप अपनी सहायता कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का फायदा यह है कि जैसे ही टॉस हो जाता है और टीम्स अनाउंस हो जाते हैं, आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फाइनल टीम्स अपडेटेड। अब इसके बाद आप जब फैंटेसी गली पे आएंगे, टीम सेक्शन में आपको वही प्लेयर्स दिखेंगे जो मैच में खेल रहे हैं, बाकी स्क्वाड मेंबर्स नहीं दिखेंगे। तो ये आप फैंटेसी गली पे चेकआउट कर सकते हैं, फिर कॉन्टेस्ट चेकआउट कर सकते हैं, कौन से कॉन्टेस्ट आपके लिए सुविधाजनक हो सकते हैं ये सजेशन, एंड स्केड्यूल पेज। स्केड्यूल पेज काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता चलेगा कि फैंटेसी गली कौन से सीरीज और मैचेस कवर कर रहा है। और हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जरूर जुड़े, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम। चलिए पिच एंड कंडीशन, बेलरी ओवल होबार्ट नदी के बाजू में, यहां पर अमूमन यूजली अच्छी बैटिंग स्ट्रिप रहती है, लेकिन एक स्ट्रेंज केस देखा जाता है। फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग काफी अच्छी साबित होती है, इसलिए हाई स्कोर देखिए, बैटिंग रिकॉर्ड 178। ये एक नाइट मैच है, अंडर द लाइट्स जो है बॉल पिच थोड़ी यहां पर क्विकन हो जाती है और बॉल बैट पे अच्छी तरह से आती है, तो इसलिए 178 है फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर यहां पर। लेकिन क्योंकि एक ही ग्राउंड पे दो मैचेस खेले जा रहे हैं तो पिचेस थोड़े डाई डाउन हो जाती हैं, तो मे बी 178 नहीं 150 शायद हो सकता है, बिकॉज इसी मैदान पर वेस्ट इंडीज आयरलैंड भी मैच खेला जा सकता है, विच एक्सेप्ट द लॉजिक, सपोर्ट द लॉजिक कि बैटिंग फर्स्ट आप टीम्स को अगर देखें तो वो सक्सेसफुल होती हैं। तो बैटिंग फर्स्ट टीम्स में से आप ज्यादा बैटर्स और बोलर्स लें, ये एक रिकमेंडेशन है। 20 डिग्री सेल्सियस वेदर है, ब्राइट एंड सनी, ब्राइट एंड सनी का कह रहा हूं, नो रेन फोरकास्ट और ह्यूमिडिटी 64% है। यहां पर यूजुअली ड्यू नहीं आता, भले ही नदी के बाहर हो बट ड्यू यहां पर नहीं आता। ओके, और जहां तक थोड़े हेड टू हेड की, मैं ये प्लेयर हेड टू हेड के बढ़ने के बाद एक बार सिर्फ टीम हेड टू हेड बता देता हूं। तो जिम्बाब्वे ज्यादा मैचेस नहीं खेले, 4 ही मैचेस खेले, लेकिन जिम्बाब्वे उसमें आगे है। अब यहां पर दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टैट्स दे देता हूं। स्कॉटलैंड ने पिछले 8 T20Is में से एक ही जीता है, लेकिन पिछले 7 नाइट T20Is यानी रात के मैचेस में से 7 में से 6 जीते हैं। अब जिम्बाब्वे की तरफ बात करते हैं, सॉरी स्कॉटलैंड की और आगे बात करते हैं। इस टूर्नामेंट में अभी तक स्कॉटलैंड ने नाइट मैच नहीं खेला, थे 2 मैच खेले, दोनों डे नाइट थे। जिम्बाब्वे ने अपने दोनों मैच नाइट मैचेस खेले हैं, तो जिम्बाब्वे को एक एक्सपीरियंस आ जाता है। ये छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं, हम यूजुअली ऐसी स्टैट्स ही देख लेते हैं कि ये नंबर्स है वो नंबर्स है, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि कंडीशंस भी मैटर करता है। तो हो सकता है स्कॉटलैंड जब अचानक लाइट्स के सामने आ जाए तो मे भी थोड़ी बहुत तकलीफ उन्हें हो। अगेन जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं, जिम्बाब्वे के पास एक थोड़ा सा यहां पर एडवांटेज है। और आगे बढ़ने से पहले प्लेयर हेड टू हेड की बात करते हैं,
तो प्लेयर हेड टू हेड में आप मैथ्यू क्रॉस वर्सेस ल्यूक जोंगवे का कॉन्टेस्ट जरूर देखेगा। जोंगवे ने मैथ्यू क्रॉस को 11 गेंदों में 2 बार आउट किया है। स्कॉटलैंड के विकेट कीपर है मैथ्यू क्रॉस। फिर कैलम मैक्लियोड वर्सेस टेंडाई चटारा, तो चटारा ने भी मैक्लियोड को 11 गेंदों में 2 बार आउट किया है, सिर्फ 11 रन खर्च किए हैं। एंड रेगिस चकाबा वर्सेस मार्क वॉट, मार्क वॉट ने चकाबा को 12 गेंदों में 2 बार आउट किए, 16 रन ही खर्चे हैं। ये दोनों ही टीम्स जो आ रही हैं, एटलीस्ट स्कॉटलैंड की बैटिंग यूनिट बहुत डीप है, उनकी बैटिंग डेप्थ है, लेकिन बॉलिंग दोनों ही टीम्स की काफी अच्छी है। तो शायद आपको एक बहुत बड़ा हाई स्कोरिंग एनकाउंटर नहीं देखने मिलेगा, एक मिडिवल एनकाउंटर मिल सकता है। और अब हम बढ़ते हैं स्कॉटलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। यही मोस्टली होनी चाहिए जो लास्ट मैच खेलती, जॉर्ज मुंसी, माइकल जोन्स, मैथ्यू क्रॉस, रिची बैरिंगटन, माइकल लीस, कैलम मैक्लियोड, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वॉट, जॉर्ज डेवी, सफियान शरीफ और ब्रैड वील। अब इन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर जो है खड़ा किया था, लेकिन आयरलैंड के ब्रिलियंस ने वो स्कोर जो है वो मैच जो है इनके हाथ से छीन लिया, नहीं तो अन्यथा स्कॉटलैंड के 2 विंस हो जाते और ये क्वालिफाई ऑलरेडी हो जाती इस अगले राउंड के लिए। बट जो भी है, अब इनकी किस्मत इन्हीं के हाथ में है क्योंकि ये नॉकआउट है। अब इस टीम में से पार्क ले बोलर्स आपके कौन हो सकते हैं? मार्क वॉट स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, फिर उसके बाद ब्रैड वील ये राइट आर्म मीडियम फास्ट बोलर हैं, फिर जॉर्ज डेवी ये भी राइट आर्म मीडियम फास्ट बोलर है, और सफियान शरीफ ये भी वैसे है। ये 4 आपके पार्क ले बोलर्स हो सकते हैं, और डेथ में जॉर्ज डेवी राइट आर्म मीडियम फास्ट, फिर सफियान शरीफ राइट आर्म मीडियम फास्ट, मार्क वॉट स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड ब्रैड वील। तो मोस्टली यही 4 पावर प्ले एंड डेथ में दोनों में ज्यादा करके डालते हैं। जिम्बाब्वे की तरफ रुख करें तो ये एक पॉसिबल प्रोबेबल 11 हो सकती है। आगे बढ़ने के पहले सिर्फ मैं बता दूं कि इनके कप्तान जो है वो है क्रेग अवन इस वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन पिछले पर वो एक्चुअली इस वर्ल्ड कप में आ रहे हैं एक इंजुरी के पीछे, मतलब एक इंजुरी हुई थी, काफ इंजुरी, और वो देखिए फिट थे और वो आ गए, पर पहला मैच खेलने के बाद दूसरे मैच के जस्ट पहले उन्हें एक आस्थमैटिक अटैक हुआ था, तो इसलिए उन्होंने सेकंड मैच मिस कर दिया था वेस्ट इंडीज के सामने, और जिम्बाब्वे को एक हार का सामना करना पड़ा था। तो ये हो सकता है कि क्रेग अरवाइन इस पर्टिकुलर लेवल में आ जाए, स्लॉट इन हो जाए, लेकिन फिलहाल हमने उन्हें रखा नहीं है बिकॉज हमें कोई न्यूज नहीं है कि, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं आस्थमा अटैक हो जाता है तो इतनी जल्दी रिकवरी यूजुअली नहीं होती, लेकिन एक बहुत बड़ा मैच है जिम्बाब्वे के लिए तो यू नेवर नो। जैसे रोल ऑफ वैंडे मोवे ने अपनी इंजरी की बिल्कुल परवाह नहीं की जो पहले मैच में श्रीलंका के सामने, और फिर भी एक लंगड़ते लंगड़ते आ गए लास्ट मैन बैटिंग करने के लिए, वैसे शायद क्रेग अरवाइन भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकते हैं। बट अदरवाइज वेस्ली मडिवेरे, रेगिस चकाबा, अगर क्रेग अरवाइन आएंगे तो मोस्टली टोनी मुनियोंगा के जगह पे आएंगे, फिर शॉन विलियम, सिकंदर राजा, मिल्टन शुम्बा, रायन बॉल, ल्यूक जोंगवे, रिचर्ड एंगरावा, टेंडाई चटारा और ब्लेसिंग मुजरबानी। अब इनके पार्क में बोलर्स की अगर हम बात करें, रिचर्ड एंगरावा लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बोलर, फिर टेंडाई चटारा ऐसे बॉलिंग करते ही उनका ये लेफ्ट हैंड कभी हिलता ही नहीं है, ऐसे ही रहता है जब वो बॉलिंग करते हैं, अमेजिंग कंट्रोल। एंड ब्लेसिंग मुजरबानी ये तो जिराफ है, और इनके लिए ऑस्ट्रेलिया के पिचेस ऐसे ही सूटेड है, और ये देखिए वर्ल्ड कप में तो इन्होंने धूम ही मचा दी है। अगर पिछले 3 इनिंग्स की बात करें तो बहुत बढ़िया हाइट है, और वो बात नहीं, एंजॉय करते हैं बॉलिंग करना, डेथ ओवर में भी एंजॉय करेंगे ही ब्लेसिंग मुजरबानी, फिर रिचर्ड एंगरावा लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, फिर टेंडाई चटारा और रायन बॉल ये डालते हैं काफी बार लेग ब्रेक्स, और ल्यूक जोंगवे भी काफी बार डेथ में डालते हैं। अब आ जाते हैं हमारी तरफ से एक फैंटेसी 11 स्मॉल लीग और हेड टू हेड का सजेशन। टीम 1 कीपर, 3 बैटर, 3 ऑलराउंडर और 4 बोलर, ये हमारी तरफ से एक सजेशन है। अगर आप फैंटेसी गली पे आएंगे टॉस के बाद, आपको अलग अलग फैंटेसी एप्स के लिए टीम्स मिलेंगी, 10-10 टीम कॉम्बिनेशन, जैसे कि ड्रीम 11 के लिए 10, माई टीम 11 के लिए 10, 11 विकेट्स के लिए 10। तो हमारी तरफ से एक #टैग वार्निंग अलर्ट एडवाइस यही है कि आप टीम्स भले ही ले लें लेकिन डायरेक्ट कॉपी पेस्ट ना करें। 7 या 8 प्लेयर आप अपनी हमारी चॉइस के रख सकते हैं, लेकिन 3 या 4 पे प्लीज आप अपने चॉइस के रखें ताकि आपकी टीम यूनिक हो। और ये टीम कॉम्बिनेशंस कैसे होती हैं, जैसे कि स्मॉल लीग के लिए आपको 3-4 टीम्स मिलेंगी, ग्रैंड लीग के लिए 3-4 टीम्स मिलेंगी, हेड टू हेड के लिए 3-4 टीम्स मिलेंगी, फिर बैटिंग फोकस पे 3-4 टीम, अगर आपको लगता है कि बैटिंग नहीं चलने वाली, बॉलिंग ज्यादा चलने वाली, तो बॉलिंग फोकस पे भी आपको 3-4 टीम्स मिलेंगी। ऐसे कई कर करके 70 से 80 टीम कॉम्बिनेशंस मिल जाएंगी। प्लीज टू चेक इट आउट आफ्टर द टॉस। ओके, तो यहां पर हम फैंटेसी पे गौर करते हैं। तो विकेट कीपर रेगिस चकाबा ऑन एन एवरेज आपको 30
फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं जिम्बाब्वे के प्लेयर है। बैटर्स में से माइकल जोन्स, रायन बर्ल और रिची बेरिंगटन। माइकल जोन्स बहुत ही अच्छे फॉर्म में है स्कॉटलैंड के लिए, अभी हाल ही में 86 स्कोर करके आ रहे हैं, लेकिन पिछले चार मैच में देखिए 50-50 है, 20 से कम भी मारा है और 240 प्लस स्कोर भी है, ऑन एन एवरेज आपको 45 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन रिसेंटली एक अच्छे फॉर्म से आ रहे हैं, 86 स्कोर किया है। फिर रायन बर्ल एक्चुअली एक ऑलराउंडर है ये, कब पहले उन्होंने करियर स्टार्ट किया था लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर और लेग्स ब्रेक करके, लेकिन अब एक प्योर बैट्समैन बन गए हैं। ऑन एन एवरेज ये आपको 39 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, पिछले चार पारियों में 230 प्लस स्कोर्स हैं रायन बर्ल के। फिर उसके बाद चौथे तीसरे बैटर रिची बेरिंगटन, ये स्कॉटलैंड की तरफ से ऑन एन एवरेज आपको 31 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन जिम्बाब्वे के सामने पिछले चार पारियों में चारों बार 35 प्लस स्कोर किया है, तो रिची बेरिंगटन जिम्बाब्वे के सामने शायद आपको ज्यादा फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। फिर ऑलराउंडर्स में सिकंदर राजा, शॉन विलियम्स और माइकल लीस, कोई सरप्राइज नहीं है, सिकंदर राजा और शॉन विलियम्स दोनों ही जिम्बाब्वे के दिग्गज प्लेयर को देखते हुए, और सिकंदर राजा की फॉर्म देखिए, देखिए जिम्बाब्वे की तरफ से ऑन एन एवरेज आपको 104 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं पिछले 10 मैच में, और उसका रीजन भी देखिए, लास्ट मैच में फ्लॉप हो गए थे, उसके पहले 82 0 62 65, यानी पांच मैच में तीन हाफ सेंचुरी, सो कंसिस्टेंसी है सिकंदर राजा में, और लास्ट मैच में बॉलिंग में भी उन्होंने तीन विकेट निकाले थे, तो ये आपको ड्यूअल फैंटेसी पॉइंट्स दे सकते हैं। सेम गोज विद शॉन विलियम्स, इसे ऑलराउंडर के लिस्ट में है, ऑन एन एवरेज आपको 63 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, और स्कॉटलैंड के सामने पिछले चार पारियों में दो बार इन्होंने 50 का आंकड़ा पार किया है। फिर माइकल लीस स्कॉटलैंड की तरफ से ऑन एन एवरेज आपको 48 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, राइट हैंड बैटर है और बॉलिंग भी अच्छी कर लेते हैं, एंड बोलर्स में ब्रैड वील, टेंडाई चटारा, ब्लेसिंग मुजरबानी और ल्यूक जोंगवे। ब्रैड वील स्कॉटलैंड की तरफ से राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, ऑन एवरेज आपको 51 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। टेंडाई चटारा न्यू बॉल बॉलर है जिम्बाब्वे के लिए और डेथ ओवर बॉलर भी, ऑन एन एवरेज आपको 46 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, और पिछले चार पारियों में दो बार इन्होंने दो या दो से ज्यादा विकेट्स निकाले हैं, और स्कॉटलैंड के सामने इनके चार पारियों में तीन टू विकेट हॉल्स हैं, तो आप टेंडाई चटारा को जरूर अपनी नजर में रखिएगा। फिर ब्लेसिंग मुजरबानी, ये तो फॉर्म में है ही, पिछले तीन गेम पारियों में देखिए ऑन एन एवरेज आपको 43 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, लेकिन लास्ट थ्री पारियों में उन्होंने सात विकेटें ली हैं, दो या दो से ज्यादा विकेट्स पर मैच, और ये जो दोनों हैं दो और तीन विकेट ये इसी वेन्यू पे आए हैं, तो क्लियरली ये एंजॉय कर रहे हैं और ये आपके टीम में होंगे तो आपको फायदा हो सकता है। एंड ल्यूक जोंगवे, ये भी इन्होंने अपना करियर ऑलराउंडर के तौर पर चालू किया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी बैटिंग चली गई और बॉलिंग थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है, वेल डेथ में डालते हैं मेजॉरिटी करके ये, ऑन एन एवरेज आपको 39 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, और स्कॉटलैंड के सामने पिछले तीन पारियों में इन्होंने दो विकेट्स लिए हैं और एक भी बार विकेटलेस नहीं गए हैं। तो ये हमारी तरफ से एक फैंटेसी टीम की सजेशन स्मॉल लीग और हेड टू हेड के लिए। कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस, माइकल जोन्स, रिची बेरिंगटन, सिकंदर रजा और शॉन विलियम्स। अगर आपको ये चॉइसेस पसंद नहीं आई तो आप अपने हिसाब से जरूर हमें चॉइसेस लिख भेजिएगा नीचे चैट और कमेंट सेक्शन में। अब हम ऑप्शनल प्लेयर्स की बात करते हैं, अगर जो टीम सजेस्ट किया है उनमें से कोई प्लेयर्स खेल नहीं रहे हैं और तो कुछ कुछ ऑप्शंस हैं। विकेट कीपर में केविन कजूजा जिम्बाब्वे के तरफ से ऑन एन एवरेज आपको 36 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। फिर बैटर में मिल्टन शुम्बा, ये भी जिम्बाब्वे की तरफ से है, स्कॉटलैंड के सामने उन्होंने पिछले तीन पारियों में 245 प्लस नॉक्स रजिस्टर किए हैं, ऑन एन एवरेज आपको 24 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। फिर ऑलराउंडर में क्रिस ग्रीव्स, ये स्कॉटलैंड के है, इनके पिछले चार पारियों में 230 प्लस नॉक्स है, ऑन एन एवरेज आपको 36 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। और बॉलर में विक्टर नाउची, ये जिम्बाब्वे की तरफ से है, राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर, पिछले पांच पारियों में इनके चार तीन विकेट हॉल्स है, वाओ, और ये आपको ऑन एन एवरेज 77 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। अगर जिम्बाब्वे ने इन्हें खिलाया तो आप डेफिनेटली इन्हें अपनी टीम में रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं ग्रैंड लीग की सजेस्टेड फैंटेसी 11, एक कीपर, तीन बैटर, चार ऑलराउंडर और तीन बॉलर, मोर और लेस सेम ही है। विकेट कीपर में रेगिस चकाबा, बैटर्स में चलिए जॉर्ज मुंसी आ गए, जॉर्ज मुंसी ऑन एवरेज आपको 35 पॉइंट्स फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, और लास्ट टाइम जब ये जिम्बाब्वे के साथ खेले तो इन्होंने 54 रन बनाए थे, 54। फिर टोनी मुनियोंगा, ये जिम्बाब्वे की तरफ से है, ऑन एवरेज आपको 28 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। फिर कैलम मैक्लियॉर्ड स्कॉटलैंड की तरफ से, राइट हैंड बैटर, ऑन एवरेज आपको 24 फैंटेसी पॉइंट्स ये दे रहे हैं। ऑलराउंडर्स में सिकंदर राजा, शॉन विलियम्स, माइकल लीस्क और वेस्ली मडेवरे। तो वेस्ली मडेवरे की बात करें, और ओपनिंग बैटिंग भी आते हैं, ओपनिंग बॉलिंग भी कर सकते हैं, राइट हैंड बैटर, ऑफ स्पिन भी है, ऑन एन एवरेज आपको 45 फैंटेसी पॉइंट्स ये देते हैं।
फिर बोला उसमें ब्रैड वीर, रिचर्ड एंगरावा और जॉश डेवी। तो रिचर्ड एंगरावा की बात करें, ऑन एन एवरेज आपको 39 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। जॉश डेवी राइट आर्म मीडियम फास्ट बोलर, ऑन एन एवरेज आपको 36 फैंटेसी पॉइंट्स ये दे रहे हैं। कैप्टन वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस माइकल लीस, वेस्ली मरेवरे, ब्रैड वीर और रिचर्ड एंगरावा। ग्रैंड लीग के लिए प्लेयर ऑप्शंस कीपर में केविन कसूजा, बैटर क्रेग ओवन। अगर क्रेग ओवन हेल्दी है, फिट है और खेल लेते हैं, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज आपको 29 फैंटेसी पॉइंट्स ये देते हैं। सॉलिड बैटर है, नंबर थ्री पर आएंगे, आपको कंसिस्टेंट रन बना के दे सकते हैं। फिर ऑलराउंडर में क्रिस ग्रीव्स और बॉलर में ब्रैड एवंस, दोनों स्कॉटलैंड की तरफ से। ब्रैड एवंस ऑन एन एवरेज आपको 53 फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं। ये है हमारी तरफ से थोड़े बहुत प्लेयर सजेशन स्मॉल लीग हेड टू हेड और ग्रैंड लीग के लिए। और एक बार वेन्यू के बारे में भी बता दूं, यहां पर पिछले 5 मैच में से, नाइट मैचेस में से 4 जो है बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीता है। और पेसर्स ने अमूमन ज्यादा विकेट्स लिए हैं 71%, लेकिन स्पिनर्स जब चले हैं फर्स्ट इनिंग्स में ज्यादा चले हैं। तो आप स्पिन पेस कॉम्बिनेशन देखेंगे तो फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग्स का भी आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर। लो टू मीडियम भी रखें हेड टू हेड और स्मॉल लीग के लिए आप ज्यादा टीम्स बनाएं। ग्रैंड लीग के लिए आप एक या दो ही टीम रखें क्योंकि वहां पर रिस्क फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है। और प्ले द कॉन्टेस्ट दैट सूट यू द मोस्ट, इसका क्या मतलब है? जी हाँ, आप टीम बेशक बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सही कॉन्टेस्ट नहीं चुनेंगे आपको नुकसान फिर भी हो सकता है। तो फैंटेसी गली आपको रेकमेंड करता है और आपकी मदद करना चाहता है, प्लीज फैंटेसी गली पे आइए। वहां पर कॉन्टेस्ट सेक्शन है, वहां पर फैंटेसी को लोकेट कीजिए, उन्हें टॉगल कीजिए लेफ्ट टू राइट। टॉगल करते करते लेफ्ट साइड में आपको कॉन्टेस्ट बदलते नजर आएंगे, उन कॉन्टेस्ट के हिसाब से राइट साइड में आपको अप्रोक्सीमेट कमाई दर्शाई जाएगी। जब आप ये लॉकिंग करेंगे, फिर आप जब फैंटा पे माउस ओवर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस सिलेक्शन के हिसाब से आप कितने प्रतिशत यूजर्स को हरा सकते हैं। इसके बाद अगर आप कॉन्टेस्ट खेलने उतरेंगे डेफिनेटली आपको फायदा होगा। एंड विद दैट हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा और इस वीडियो से फायदा हुआ रहेगा। धन्यवाद देना चाहता हूं दिल से आप सभी का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक देखा। प्लीज fantasygully.com पे आइए, स्टैट्स आर्टिकल्स टीम्स कॉन्टेस्ट और शेड्यूल चेकआउट कीजिए और हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर जुड़े। और प्लीज एक बार फिर से fantasygully का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पर है, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और आप अपनी सहायता कर सकते हैं। ऑन दैट नोट मैं कार्तिक अय्यर अपने पूरे fantasygully टीम की तरफ से आपसे विदा लेना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट जब आप इस मैच के लिए अपनी टीम